बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं फिफ्थ क्लास के लिए एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के कम्बाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो तब तक आप इनको तैयार कर लें और अगली वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। तो ये ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी का पार्ट 1 है और अगले पार्ट में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। इस पार्ट में यानी कि इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको आप तैयार कर लें। ये पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट चेंज ऑकर्स इन द बिहेवियर ऑफ आंट्स वॉकिंग इन ए लाइन व्हेन देयर पाथ इज ब्लॉक्ड एंड व्हाई। तो इसका ये आंसर दिया गया है, इसको आप तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी मॉस्किटोज ट्रैवल अस ए लॉट, हाउ डू मॉस्किटोज फील योर प्रेजेंस इवन इन द डार्क। तो बच्चों इसको तैयार करें, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू सी एनिमल्स लाइक फिश सडनली मूव रैपिडली इन वाटर एंड बिहेव स्ट्रेंजली। तो इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, आर वी ऑल्सो बिकमिंग ए थ्रीट टू एनिमल्स हाउ। तो इसका ये आंसर है, इसको आप तैयार कर लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन आवर कंट्री राइट। तो इसका ये आंसर दिया गया है। अगला देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री क्वालिटीज ऑफ स्लॉथ। तो इसका ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, राइट फाइव क्वालिटीज ऑफ टाइगर। तो इसका ही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लें। और ये अगला क्वेश्चन, Which forests are being protected by the government of our country? Why? बच्चों ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन दिया है, इसका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर है, और ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर, अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ हमने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हैं, शॉर्ट भी दिए हैं, वेरी शॉर्ट भी दिए हैं। तो आप इन सभी को तैयार कर लें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मैचिंग करनी है, ये मैचिंग के आंसर हैं, तो आप इनको तैयार करें। अगला देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है, उसके बाद ये क्वेश्चन और ये आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका ये आंसर है। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें, आप चाहें तो इसी से लर्न कर लें, नोट्स बना लें, या फिर आप अपनी सीरीज में जो भी आपके पास सीरीज है उसमें आप टिक लगा लें और तैयार करें क्योंकि ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर। बच्चों क्वेश्चंस को हम पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप इनको टिक लगा लें या फिर इसी से लर्न कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
तो आप इनको तैयार करें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू वी कम टू नो दैट यू आर हंग्री, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट ये दिया गया है, बाय विच ऑर्गेन डू वी कम टू नो द टेस्ट ऑफ फूड एंड विच टेस्ट कुड बी फेल्ट बाय अस, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ये दिया गया है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। तो आप फटाफट इनको रिवाइज कर लें, और ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये लॉन्ग आंसर हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, तो इनको आप तैयार करें। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर, अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर, अगला देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन, लुक एट फिगर ए एंड बी एंड राइट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ बोथ द चिल्ड्रन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फूड इन ए टेबुलर फॉर्म, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये इसका आंसर दिया गया है, तो आप इसको तैयार करें। नेक्स्ट वन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया गया है, और अगला क्वेश्चन ये, इसका ये आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका ये आंसर है। तो बच्चों, अभी हमने इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चन लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका ये आंसर, और ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है। अगला देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर दिया गया है। अगला ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। तो बच्चों, आप इनको तैयार कर लें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन सभी के आंसर इसी में दिए गए हैं, तो आप इनको तैयार करें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और लर्न करें। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन ये, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ये दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो इसके ये आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप तैयार करें, लर्न कर लें। ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ये आंसर दिए गए हैं। और ये अगला लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, राइट द नेम ऑफ एनी वन सीड एंड मेक ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड का डायग्राम है। नेम ऑफ सीड ये दिया है, मूंग का है, तो आप इसको बना के प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन EVS के, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी के, क्लास 5th के लिए MP बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। अभी इसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगली वीडियो बहुत ही जल्द हम अपलोड कर देंगे, जिसमें अगले चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे। तो तब तक इसको तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।